अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी पाकिस्तान में एक ऐसा इलाका है जहाँ पर इंसान और जानवर एक ही जगह से पानी पीने पर मजबूर हैं। जी हाँ, ये इलाका है सहराए चोलिस्तान। वीडियो में मज़ीद बात करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुंच सकें। दोस्तों, खित्ते चोलिस्तान पाकिस्तान का एक खूबसूरत इलाका है और दुनिया भर से सयाह यहाँ पर आते हैं और इसकी खूबसूरती से लुत्फानंदोज़ होते हैं। इस खित्ते में बहुत से किले पाए जाते हैं जो कि नशेबो फराज की कई दास्तानें लेकर चोलिस्तान के सीने पर मौजूद हैं। ये चोलिस्तान का इलाका हजारों एकड़ पर मुहित है और दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस खित्ते में खूबसूरती के साथ साथ मसाइल भी बहुत सारे हैं, जिसमें एक बड़ा मसला पानी का मसला है, क्योंकि चोलिस्तान में जेरे ज़मीन पानी बहुत गहरा और कड़वा है जिसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चोलिस्तान में वाहद जरिया पानी बारिश का पानी है और इसको इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े टोबे बनाए जाते हैं और उन टोबों में ख़ास किस्म का जो है केमिकल फेंका जाता है और ये टोबे बारिश के इंतज़ार में रहते हैं कि जब बारिश आएगी और ये टोबे भर जाएंगे तो उसमें फिर ये होता है कि बारिश के बाद चोलिस्तानियों की जो ज़िंदगी है वो बड़ी खुशगवार हो जाती है और जब तक ये टोबे भरे रहते हैं तो चोलिस्तानी जो है वो खुशी का इजहार करते हैं और वो अपने जानवरों को और वो ख़ुद भी अपने इस्तेमाल के लिए पानी यहाँ से हासिल करते हैं। और अगर बारिशें ना हों तो यहाँ पे बनाए गए बड़े बड़े टोबे खुश्क हो जाते हैं, जिसकी वजह से चोलिस्तानियों की ज़िंदगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में गिर जाती है। तो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, जब ये टोबे भर जाते हैं तो चोलिस्तानी यहीं से अपना गुज़र बसर करते हैं, जानवरों को भी यहीं से पानी पिलाते हैं और ख़ुद भी एक ही जगह से पानी पीते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी इस जगह का पानी पीने से, इस तरह बारिश का पानी पीने से, जहां पर जानवर भी और इंसान भी और परिंदे भी एक ही जगह से जो है पानी पीते हैं, तो क्या इंसान को बीमारियाँ नहीं हो सकती? अगर आलमी इदारा सेहत इस चीज़ का नोटिस ले और चोलिस्तानियों के लिए पानी का कोई बेहतरीन ज़रिया बना दिया जाए ताकि जो यहाँ के चोलिस्तानी हैं इस तरह के घड़ों का पानी ना पिए और उनकी जो सेहत है वो इससे मुतासिर ना हो। दोस्तों, मैं बताता जाऊँ, चोलिस्तान की खूबसूरती जो है वो उसमें इजाफ़ा हो जाता है जब ये चोलिस्तानियों का आप कल्चर देखते हैं, उनके खूबसूरत मकानात, उनके जो जानवर हैं वो आप देखते हैं और उसकी वजह से ही चोलिस्तान में खूबसूरती होती है। अल्लाह ना करे कि अगर ये चोलिस्तानी इस खित्ते को छोड़कर चले जाएं तो फिर इस खित्ते की जो खूबसूरती है उसमें बहुत ही कमी आ जाएगी। तो मेरी हुकूमत से इल्तजा है कि चोलिस्तानियों के लिए पानी के मसले को हल किया जाए और कम से कम जो पीने का पानी है उसको जो है साफ़ पानी मुहैया किया जाए ताकि चोलिस्तानी भी आम शहरियों की तरह, आम पाकिस्तानियों की तरह हंसी खुशी जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।